हेलो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू एन पी सी जनल वेर गनल ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फिजिक्स माय नेम इज तृप्ति एंड यू आर वाचिंग एन पी सी सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर फोर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड दैट इज द गैलवेनोमीटर मूविंग कॉयल गैलवेनोमीटर ओके इन लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप ओके काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमने देखी थी एंड इफ यू वॉन्ट टू वॉच दैट वीडियोज देन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स देर इज अ लिंक एंड ऑल दैट वीडियोज आर गिवन इन दिस लिंक ओके लेट्स स्टार्ट आवर टूडेज टॉपिक द मूविंग कॉयल गेलवनो मीटर ओके सो जनरली हमने चैप्टर थ्री में वोल्ट मीटर एंड ए मीटर के बारे में डिस्कस किया था वोल्ट मीटर एंड ए मीटर का काम क्या होता है सो वोल्ट मीटर इज मैजर्ड फॉर वोल्टेज एंड ए मीटर इज मैजर्ड फॉर करंट ओके यहाँ गेलवेनोमीटर के थ्रू ही गेलवेनोमीटर को थोड़ा मॉडिफाई करके ही हम वॉल्ट मीटर और एम मीटर में कन्वर्ट करते हैं ठीक है सो एक्चुअल आपको मेन प्रोसेसिंग गेलवेनोमीटर का पढ़ना है और इसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है हमें हमने वोल्ट मीटर और एम मीटर में वो हम चैप्टर थ्री में डिस्कस कर चुके हैं ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गेलवेनोमीटर के प्रिंसिपल पर डिस्कस करेंगे किस प्रिंसिपल पर ये डिपेंड करता है इसलिए हम यूज़ करते हैं इसे एंड फाइनली जो भी उसका वर्किंग है कंस्ट्रक्शन है और फॉर्मूला है वो हम देखेंगे ठीक है सो लेट इस स्टार्ट आवर क्लास सिंपली कहें तो गैल्वेनोमीटर इज द डिवाइस टू मेजर और डिटेक्ट स्मॉल करंट ठीक है एक माइक्रो एम ऑर्डर के करंट को मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं ठीक है थीके? और गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके हम वोल्ट मीटर एंड एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ओके okay, सो so हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर में टॉर्क अना करंट लूप प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये टॉपिक डिस्कस किया था इसी टॉपिक पर बेस्ड है हमारा गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल ठीक है हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर में एक रेक्टेंगुलर लूप लिया था ठीक है उसे हमने ट्विस्ट किया था ओके ट्विस्ट किया था और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो वो क्या होता है रोटेट होता है ठीक है हमारा जो करंट लूप है रेक्टेंगुलर लूप है वो रोटेट होगा ठीक है एंड रोटेट किस कारण से होगा जब हम उसमें करंट प्रोड्यूस करवाएंगे ठीक है सो हमने करंट प्रोड्यूस करवाया फिर रोटेशन स्टार्ट हुआ एंड देन टॉर्क प्रोड्यूस हुआ ओके सो so, यहाँ पर भी गेलवेनोमीटर का प्रिंसिपल भी डिपेंड करता है टॉर्क ऑन अ करंट लूप लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ओके गेलवेनोमीटर में ये होता है कि जो टर्न्स हैं कॉयल में जो टर्न्स है, होते हैं वो एंड टर्न्स होते हैं ठीक है थीके? और हमारा जो पूरा कंस्ट्रक्शन है जो पूरा सिस्टम है वो प्लेस्ड होता है यूनिफॉर्म रेडियली मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ठीक है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रेडियली मैग्नेटिक फील्ड इसलिए लिया जाता है ताकि हमारा जो फॉर्मूला है हमने टॉर्क का फार्मूला स्टडी किया था टॉर्क इज इक्वल्स टू आई ए बी साइन थीटा ठीक है थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ये हमने सब लास्ट के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है सो पहले आप लास्ट के वीडियो लेक्चर देखिए उसके बाद में यहाँ आइए तो आपको इजीली गैल्वेनोमीटर समझ में आ जाएगा ठीक है थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ हम ये यह जो कॉयल्स ले रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं उन दोनों के बीच में एंगल नाइन्टी डिग्री होना चाहिए ठीक है और नाइन्टी डिग्री किस कंडीशन में होगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड को रेडियली लें ठीक है रेडियली लेंगे सो यहाँ पर नाइन्टी डिग्री हो जाएगा सो आपको टॉर्क मिलेगा आई ए बी ठीक है हमारा जो एम है रेडियली मैग्नेटिक फील्ड एंड सॉफ्ट आयरन कॉर का यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि आपको मैग्नेटिक फील्ड रेडियली मिले एंड स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड मिले इन दोनों का जो पर्पस है वो भी आपको एग्जाम में पूछते हैं ठीक है थीके? तो ये आपको पता होना चाहिए अब इसका जो प्रिंसिपल है एक्चुअल में होता क्या है जितना आप करंट सप्लाई करेंगे जितना करंट देंगे ठीक है उतना ज़्यादा डोर प्रोड्यूस होगा और डोर प्रोड्यूस होगा इन द सेंस लूप डिफ्लेक्ट होगा ठीक है लूप में डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा एंड डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा तो आपको रीडिंग भी ज़्यादा आएगी ठीक है एक्चुअल जो इसका कंस्ट्रक्शन है ये आपका एक सिंपल uh, कंस्ट्रक्शन है जो कि अपर साइड में होता ही है गैलपेनोमीटर में कि एक इस तरह से टर्मिनल लगा होता है यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है और स्प्रिंग के थ्रू एक वायर के थ्रू रेक्टेंगुलर कोइल इस तरह से लगी होती है ठीक है फिर अगेन स्प्रिंग होती है और फिर टर्मिनल्स होते हैं तो इस पूरे कंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं हम एक सिलेंड्रिकल बॉक्स में बंद कर लेते हैं ठीक है और उसका ऊपर का शेप जैसे सिलेंड्रिकल पार्ट इस तरह से होता है ठीक है और अंदर इस तरह से ये टर्न्स होते हैं ठीक है ठीके? रेक्टेंगुलर टर्न्स होते हैं तो यहाँ पर ये जो अपर साइड का जो पार्ट है वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है तो इस पार्ट को हमने यहाँ पर ले लिया ये नंबर ऑफ टर्न्स है ओके अब इस टर्न्स में इस टर्न्स के बाद ये जो आप देख रहे हैं दिस इज अ पॉइंटर विच शोज द रिंग ऑफ गेलवेनोमीटर ठीक है स्केल के थ्रू आपको पता चल जाएगा और गेलवेनोमीटर से हम काफ़ी स्मॉल करंट मेजर करते हैं ठीक है माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में मेजर करते हैं लुक नेक्स्ट स्लाइड ओके हमने ये डिस्कस किया था कि टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है और टॉर्क की जो वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू दैट इज़ आई ए बी साइन थीटा बट यहाँ पर आपने जो टर्न्स लिए हैं वो एन लिए हैं तो ये एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है so, सो टोटल टॉर्क डाउ इज इक्वल टू एन ए बी आई होगा ठीक है एंड थी इज नाइंटी डिग्री सो वी है इज इक्वल टू आई एन ए बी बिकॉज साइन नाइनटी इज वन ओके सो फाइनली आपको टॉर्क मिला आई एन ए बी दिस इज इक्वेशन फर्स्ट नाउ जब हम रेक्टेंगुलर कॉयल यूज कर रहे हैं तो उसे अटैच किया है हमने एक स्प्रिंग के थ्रू ठीक है इस तरह से ये एक स्प्रिंग के थ्रू रेक्टेंगुलर कॉयल रेक्टेंग टर्न होता है तो स्प्रिंग में एक ऐसा नेचर होता है कि अगर कोई भी बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट ट्विस्ट करे तो उससे वो पहले की कंडीशन में लाने का ट्राई करती है ठीक है मतलब कि हमने इतना ट्विस्ट किया है तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स वो अगेन पहले वाली कंडीशन में आना चाहेगा ठीक है तो यहाँ पर रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा मीन्स स्प्रिंग स्टार्टेड ट्विस्टिंग देन इट डेवलप्स री स्टोरिंग टोर्क इन अ स्प्रिंग नाउ वी कैन यूज अ कॉन्स्टेंट के इज द कॉन्स्टेंट एंड इट इज द टोरिशनल कॉन्स्टेंट इसे टोरिशनल कॉन्स्टेंट बोलते हैं और ये जो एक्चुअल में होता है कि एक जो स्प्रिंग है वो वन डिग्री वन डिग्री ट्विस्ट करती है तो उसकी वैल्यू को हम टोरिजिनल कॉन्स्टेंट कहते हैं ठीक है स्प्रिंग वन डिग्री रोटेट करती है और उस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं टोरिजिनल कॉन्स्टेंट तो वन डिग्री रोटेट किया तो टोरिजिनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू के हुई टू डिग्री सो टू के सो हम सपोज करते हैं यहाँ पे तो एंड डांस है सो so हम सपोज करते हैं कि ट्विस्टेड फाइव है तो फाइव इंटू के हो गया ठीक है सो फाइनली री स्टोरिंग टोर्क आपको मिला के इंटू फाइव ओके नाउ ऑन द कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग बैलेंस की कंडीशन में क्या होता है कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड ठीक है टॉर्क टॉर्क ऑन अ फोर्स एंड सिंपल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे सो so, हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को इक्वेट कर दिया फाइनली आपको फाइव की वैल्यू मिली आई एन ए बी बाई के ओके नाउ नेक्स्ट लाइक ओके आपको फाइव की वैल्यू मिली एन ए बी अपॉन के इन टू आई ठीक है Here, टर्न्स ठीक है टोटल टर्न्स इन अ कॉयल ए इज द एरिया ऑफ कॉल एरिया ऑफ कॉयल जो आप कॉयल ले रहे हैं ठीक है वो इंसुलेटेड होना चाहिए और उसका जो एरिया है वो सभी जगह सेम होना चाहिए ठीक है मिज कॉन्सटेंट होना चाहिए सो ए इज कॉन्सटेंट एन इज कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्टेंट ठीक है मैग्नेटिक फील्ड जो भी आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं वो भी कॉन्टेंट होगी फॉर अ रेक्टेंगुलर कॉयल ठीक है एंड के के इज द ऑरिजनल कॉन्स्टेंट ठीक है बच बचा क्या है आई तो so, यहाँ पर ये सभी टर्म्स कॉन्स्टेंट है फाई की वैल्यू डिपेंड करती है आई पर फाई की वैल्यू डिपेंड करती है आई पर बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर फाई और आई के रिलेशन को लेकर एक नया टॉपिक आता है सेंसिटिविटी ऑफ कैल्पेनोमीटर सेंसिटिविटी जैसे आ, हम डेली लाइफ से रिलेट करें कि अगर ये पर्सन इतना सेंसिटिव है तो इसमें आप कौन सी ऐसी चीज़ को देख रहे हैं कौन सी ऐसी चीज को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आप बता पा रहे हैं कि वो सेंसिटिव है तो सेंसिटिव का सिंपल सा मीनिंग है आप थोड़े से में ज्यादा रिएक्ट करें ठीक है तो यहाँ गैलवेनोमीटर के सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि स्मॉल करंट अगर हम करंट स्मॉल दें बट डिफ्लेक्शन ज्यादा हो ठीक है डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करें सो इट इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ गेलवेनोमीटर एंड सेंसिटिविटी ऑफ गेलवेनोमीटर इज ऑफ टू टाइप्स ठीक है करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर करंट सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी के लिए किसी इक्वेशन को लेके चले सो तो आई को यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले लें ठीक है तो फाइव बाई आई हुआ ओके एंड इक्वल्स टू एन ए बी अपॉन के ये इस इक्वेशन को हमने इस तरह इसीलिए लिखा कि करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है करंट इज लो ठीक है तो करंट यहाँ पर इन्वर्सली प्रपोर्शन हो गया मतलब कि करंट कम ही है और फाइव की वैल्यू डिफ्लेक्शन ज्यादा तो रिफ्लेक्शन यहाँ ज्यादा शो तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये करंट सेंसिटिविटी का है अब करंट सेंसिटिविटी को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं तो आप नंबर ऑफ टर्म्स कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं एरिया ऑफ कॉयल को इंक्रीज करके मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करके ठीक है एंड वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट टॉर्जनल कॉन्सटेंट को डाउन करके टोर्जनल कॉन्सटेंट को डिक्रीज करके भी हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं ठीक है और टोर्जनल कॉन्सटेंट डिक्रीज कैसे होगा कि जब हम जब हम रेक्टेंगुलर कॉयल में जो अटैच है वायर ठीक है स्प्रिंग का से स्प्रिंग जिस वायर से बनी होती है वो वायर हमें फॉस्पर ब्रोन्स या क्वार्ड्स वायर लेना है ताकि इसका ताकि इसका टोरिजिनल कांस्टेंट कम हो एंड हमें करंट सेंसिटिविटी मोर मिले ठीक है सो दिस इज द करंट सेंसिटिविटी नाउ नेक्स्ट वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए हमने चैप्टर थ्री में ओम स्लो डिस्कस किया था V इज इक्वल टू आई आर बस इसी कॉन्प्ट को लेकर हम चलेंगे V इज इक्वस टू आई के प्लेस पे हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे के फाइव डिवाइडेड बाई एन ए बी एंड फाइव बाई वी ठीक है यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी के लिए फाइव बाई आई सो वोल्टेज के लिए यहाँ पर आई के प्लेस पे वी पुट कर दीजिए ठीक है सो वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्टर सेंसिटिविटी इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के आर यहाँ दोनों इक्वेशन में सिर्फ आर का डिफरेंस है यहाँ पर क्या आ जाता है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर का मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर ठीक है रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो आप वायर ले रहे हैं जो रेक्टेंगुलर लूप जिस वायर से बना होता है ठीक है वो उसका रेजिस्टेंस है नाउ यहां पर भी सेम कैसे नंबर ऑफ टाउन को इंक्रीज करके एरिया ऑफ कॉइल को इंक्रीज करके मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करके हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं एंड के एंड आर को डिक्रीज करके भी हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं अच्छा एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आप करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करें ठीक है करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करें तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो so, हमने नंबर ऑफ टर्न्स को एन से टू एन कर दिया ठीक है अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो क्या करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और वोल्टेज सेंसिटिविटी एस इट इज रहती है तो हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं देखो एन बढ़ाया एन को डबल कर दिया एन को डबल कर दिया तो यहाँ पर टू एन के प्लेस पर टू एन हो जाएगा तो करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगी करंट सेंसिटिविटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी डबल बट वोल्टेज सेंसिटिविटी में अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो यहाँ पर फाइव बाई वी इज इक्वल्स टू टू एन तो होगा एन के प्लेस पे टू एन तो होगा बट देखिए जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया मतलब कि उस रेक्टेंगुलर वायर की लेंथ आपने बढ़ाई और लेंथ बढ़ाई है इन द सेंस रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा लेंथ के अकॉर्डिंग अगर आप लेंथ को ट्वाइस बढ़ाते हैं ठीक है डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा ठीक है सो टू आर हो जाएगा टू से टू कैंसिल तो यहाँ सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी एज इट इज रहेगा ठीक है करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए अगर आप नंबर ऑफ टर्नस को इंक्रीज करते हैं बट वोल्टेज सेंसिटिविटी एज इट इज रहती है ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द गैल्वेनोमीटर आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने जो डिस्कस किए हैं आपसे वो सारे चीज़ें आपको क्लियर हुए होंगे ठीक है अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर वाइज चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर सेवन तक सभी चैप्टर्स के क्विक रिविजन उससे रिलेटेड आपके एम सी क्यूज असर्शन रिजन एंड केस बेस्ट स्टडी के जितने भी क्वेश्चन हैं अरिहंत की बुक एक प्रॉपर बुक आप एक आ, फिक्स बुक सिलेक्ट करें ठीक है उसी बुक को आप पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ें ठीक है तो हम अरिहंत की बुक के आ, सभी क्वेश्चंस को अभी डील करेंगे नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में ठीक है ये आपका चैप्टर फोर फिनिश हो गया चैप्टर फाइव सिक्स एंड सेवन ये हम क्विक रिविजन में लेंगे ठीक है क्योंकि ये चैप्टर्स थ्री चैप्टर्स काफ़ी छोटे हैं तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले कंप्लीट करते हैं इसके सैपल पेपर्स और वो भी हमें करने हैं सो so, डिटेल uh, में ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे क्विक रिवीजन में आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगी जो कि आपको हेल्प करेगा एग्जाम में ठीक है सो सो स्टे विद एन एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच